हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। गाइस आज रीडिंग थोड़ी लेट पोस्ट होगी क्योंकि मैं लेट कर रही हूँ, और मैं लेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, तो मैं टायर्ड होके रीडिंग नहीं करना चाहती थी तो मैं सो गई थी। और कल मैंने अयोध्या जाकर दर्शन किया रामलला का, तो सुबह रीडिंग की। सुबह रीडिंग करके हमारे यहाँ से 220 किलोमीटर है अयोध्या बनारस से, तो वहाँ गई, फिर वहाँ जाके दर्शन किया। और शिवरात्रि पे कितनी भीड़ होती है आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट स्टिल हमें अच्छे से दर्शन मिल गए। और उसके बाद, और मैंने दो बार दर्शन किए, तो सोचिए उतनी बड़ी कैंपस में परिक्रमा करके पहले मैं खुद परिवार के साथ दर्शन की, उसके बाद दोबारा मुझसे ने एक बार और मैंने दर्शन किया। मैंने कहा इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा चलना पड़ेगा, बट स्टिल एक बार और दर्शन करेंगे। तो उतनी भीड़ में एक बार और मैं घुसी और फिर एक बार और दर्शन मिला। सो दर्शन करने के बाद फिर हम नंदीग्राम भी गए, मैंने शॉर्ट्स डाले हुए, और नंदीग्राम में भी दर्शन किया। इसके पहले बाकी जो दशरथ महल और कनक भवन ये सब मैंने पहले देखा हुआ है, तो उतना नहीं जा पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो नंदीग्राम मेरा रह गया था लास्ट टाइम, तो वहाँ दर्शन किया और उसके बाद आ गए, क्योंकि हमारे बनारस में पूजा भी करनी थी घर पर, और शिवरात्रि थी। तो सुबह पूजा करके गई थी, फिर रात को आकर फिर मेडिटेशन करा, पूजा करा, उसके बाद सोई, फिर भोर में फिर पूजा करा। तो बहुत टायर्ड हो गई थी, हेक्टिक हो गया था शेड्यूल थोड़ा, तो फिर मैं सो गई। और अब मैं फ्रेश हुई हूँ, तब फिर लग रहा है कि हाँ अब रीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज कभी भी टायर्ड होके मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, फ्रेश माइंड से ही रीडिंग करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि देरी क्यों हुई, होप आपने शॉर्ट्स देखे होंगे। चलिए, तो महादेव के महाशिवरात्रि पर्व पे मैंने महादेव के आराध्य का दर्शन कर लिया, श्री राम का दर्शन कर लिया। मुझे पता नहीं क्यों, जब से मैंने पहले भी दो बार गई थी मैं दर्शन करने, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाली हुई है माई ट्रैवल व्लॉग्स में, तो उस समय बन रहा था मंदिर, तो मुझे ये था कि मतलब मंदिर के दर्शन मैं कर लूँ, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे किसी का भरोसा नहीं है कौन कब टपक जाए। तो मुझे ये था कि जल्दी से जल्दी मैं रामलला का दर्शन कर लूँ, क्योंकि एक इच्छा नहीं रखनी चाहिए अपने मन में, और मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि मुझे दर्शन करना है, करना है, करना है। तो मैंने कर लिया, अब मैं संतुष्ट हूँ अब मुझे डर नहीं है, नहीं मेरे अंदर ये एक डर था, क्योंकि मेरे जैसे आस पड़ोस में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत चाहत रखते थे मंदिर दर्शन करने की, और उनकी डेथ हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, आजकल तो कुछ भी फिक्स नहीं है, तो दर्शन मिल जाए प्रभु तो दर्शन कर लिया, आप निश्चिंत है। तो आप सब भी ज़रूर दर्शन कीजिए, अभी थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन भीड़ की चिंता ना करते हुए, क्योंकि अंदर बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। फाइव कार्ड्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। द चैरियट पहला कार्ड, डेथ सेकंड कार्ड, तीन कार्ड एक साथ ही आ गए, बहुत सारे हैं, एक साथ ही इतने सारे कार्ड आ गए हैं, तो मैं खाली मून को लूँगी और मैं वन बाय वन ही लूँगी। सो वी हैव मून, टू मोर कार्ड्स, माँ शक्ति, ओके, वन मोर कार्ड, फिर दो कार्ड आ गए, ये पहले भी आया था मैंने रख दिया फिर वापस आ गया, ये भी पहले आया था मैंने रख दिया फिर वापस आ गया, मतलब ये दो कार्ड आने ही थे बट मैंने रख दिए और ये दोबारा से आ गए। तो ठीक है, यहाँ पर वी हैव
डेथ हाई प्रीस्टेस मून जजमेंट द वर्ड एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी आपको पता ही है, न्यू मून आने वाला है। न्यू मून आई थिंक आज 9 मार्च है ना, कल ही न्यू मून है, और न्यू मून की वाइब्स आपको फील हो रही होंगी ऑब्वियसली। और इस बार का जो न्यू मून है, जो अमावस्या है, वो कुंभ राशि में होगी। कुंभ राशि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, चंद्रमा हिंदू पंचांग के हिसाब से चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, और अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें या वेस्टर्न कैलेंडर की बात करें तो मीन राशि में रहेंगे। ठीक है, तो दोनों पे ही इफ़ेक्ट आपको दिखेगा, मीन राशि और कुंभ राशि दोनों की एनर्जी। तो देखिए, कुंभ शनि की राशि है और मीन गुरु की राशि है, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट बहुत मिक्स्ड एनर्जी लेकर आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, जस्टिस ओरिएंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे, और दूसरा नॉलेज विजडम। यहाँ पर जस्टिस होगा तो यहाँ शक्ति की एनर्जी है, और विजडम बढ़ेगा तो यहाँ बुद्ध की एनर्जी है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो दो तरह की है, आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट करेगी ये आपको जज करना है। ठीक है, साइन की बात करूँ सो वी हैव लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, ये यहाँ पर साइन आए हैं। इसके अलावा वी हैव द वर्ल्ड, तो ऑल साइंस से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं या ले रहे हैं कुछ ख़त्म करने का, एंडिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा शिफ्ट। और साथ ही साथ ये जो शिफ्ट है ये अपने थर्ड आई चक्रा मीन्स यहाँ पर इमोशनल होकर नहीं ले रहे, इमोशन से थोड़ा ऊपर उठकर लॉजिक यूज़ करके ले रहे हैं, और लॉजिक के साथ साथ मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इन्होंने जो डिसीजन ले लिया है उससे बैकआउट नहीं करेंगे, ये आप लिख कर ले लीजिए। मतलब इस टाइम पे अगर कोई डिसीजन आपके पर्सन आपको सुना रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो डिसीजन अडिग है, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वाली वाइब्स है। लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को। अरे अरे अरे, अपने मन से मत आओ भाई। कौन सा कार्ड पहले बताऊं? तो पहले चैरियट को कंफर्म करेंगे, क्योंकि सबसे पहले चैरियट आया था। क्यों आया है चैरियट? मैंने आपसे क्या कहा कि डिसीजन होगा या तो जस्टिस से रिलेटेड होगा या विजडम से रिलेटेड होगा, एंड वी हैव गॉट जस्टिस फर्स्ट कार्ड, डेविल विद द जस्टिस। आपको होप रखना है, क्योंकि आपके पर्सन न्याय करेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, राइट डिसीजन लेंगे। ठीक है, और नेगेटिविटीज़ को एंड करेंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं नेगेटिविटीज़ को एंड करेंगे। क्यों आया है डेथ? डेथ को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं, डरते हैं या डरती हैं किसी सिचुएशन में, या किसी सिचुएशन में कम्युनिटी फैक्टर में कोई भी रीज़न हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं। उस ट्रैप्ड सिचुएशन से इंडिपेंडेंट होकर आपके पर्सन निकल सकते हैं, मतलब ये ट्रैप्ड सिचुएशन, ये जो जंजीरें हैं ये टूटेंगी, ख़त्म होंगी। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, केयरिंग हैं, तो यहाँ पर आपकी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको दिखेगा। थर्ड नंबर पर आया था मून। क्यों आया है एंजल्स मून? मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस। यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, और ये शादी से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। एक सडन चेंज, यहाँ पर एक बड़ा चेंज है। मून के बाद द वर्ड आया था विद द जजमेंट, जो दो कार्ड मैंने वापस रख दिए थे, एंड वी हैव द वर्ड। ठीक है, मीन्स कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। क्यों? क्योंकि यहाँ शादी के साथ आया है, तो यहाँ पर अगर आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो इस न्यू मून पे काफ़ी लोगों के पर्सन अगर किसी टॉक्सिक मैरिज से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं तो वो रिलीज़ हो सकते हैं। यस, हाई प्रीस्टेस, मून के बाद हाई प्रीस्टेस आया है, और हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। रिलीज हो सकते हैं बोला मैंने, एंड वी हैव गॉट द कार्ड ऑफ रिलीज।
छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन इमोशनली बहुत अपसेट हैं। स्ट्रेंथ, वी हैव गॉट स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन को अंदर से ताकत चाहिए ताकि वो इस हद तक एक्शन ले सकें। और कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ये ताकत आ चुकी है, कुछ लोगों के पर्सन अभी इस वक्त इस ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं। कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द फूल। न्यू बिगिनिंग, क्विक डिसीजन है, क्विक डिसीजन। तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्विक डिसीजन आपको देखने मिलेगा। आपके पर्सन की एनर्जी में कार्मिक रिलीज और केयर फ्री होकर एक्शन ले सकते हैं। द वर्ल्ड, यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं आपके आपके पर्सन के बीच में जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्यार के बीच में आ रहे हैं, जिन लोगों से आपके पर्सन डर रहे हैं या डर रही हैं, उन लोगों से आपके पर्सन रिलीज होंगे। यहाँ पर साइकिल एंड होगी। स्ट्रेंथ, आपके तरफ स्टेप लेने का करेज यहाँ पर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। क्या मैसेज कर सकते हैं आपको आपके पर्सन? मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ को मैसेज ने क्लैरिफाई किया है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है विद एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। इसका मतलब कि नेगेटिव साइकिल्स एंड होंगी और आपके पर्सन का यूनियन आपके साथ होगा इस न्यू मून के बाद। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए एंड से यस, जस्ट अफर्म यस। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, मेरे एंसेस्टर्स से, जो भी यहाँ पर हैं, जो भी दैवीय शक्तियाँ हैं जो मेरी मदद करती हैं, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, प्लीज़ उनकी मदद करें। उनके पर्सन को ये मैसेज दें कि वो आपकी तरफ रिटर्न आ सकें। थैंक यू एंजल्स। तो ये कन्फर्मेशन है आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये वापस आना चाहते हैं बिल्कुल, और काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशंस से डील कर रहे हैं इस वक्त, और जो टॉक्सिक सिचुएशंस इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं उनको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखते हैं करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं। ओके, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके पार्टनर के सब कॉन्शियस माइंड में। छुप छुप के देखते हैं आपको आपके पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता करें। दिल तो दे ही चुके हैं आपको ऑलरेडी, इनको पता है कि इनका दिल आपके पास है। आपको ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में परेशानियां हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन ठीक हो जाए, मेरा पर्सन जहाँ भी रहे खुश रहे। और आपके पर्सन इतना बिज़ी भी नहीं है कि वो आपसे बात ना कर सकें, या आपको छुप छुप के देखते हैं, आपको स्पाई करते हैं कि अगर ये आपके साथ नहीं है या आपके कांटेक्ट में नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, क्या आप इन्हें मिस कर रहे हो, क्या आप इन्हें याद कर रहे हो, क्या आप बैलेंस में हो, क्या आप सैड हो, किस एनर्जी में हो। ये चीज़ें ये बहुत नोटिस करती हैं या करते हैं कि अगर ये आपसे दूर हैं तो आप खुश हैं या दुखी हैं। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर भी अगर ये खुश नहीं है और आप खुश हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपका कुछ है, कोई और सीन। भले ऐसा ना हो, भले आप बैलेंस में हो, पॉजिटिव हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपने अपने आप को हील किया हुआ है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं या करती हैं और इनसे दूर होने के बावजूद अगर आप हैप्पी हो, खुश हो, तो इनको बहुत जेलसी होती है। इनको ऐसा लगता है कि आप
अपनी लाइफ में इनके अलावा किसी और के साथ अटैच्ड हो, या फिर आपके पास कोई दूसरे ऑप्शंस हैं, या फिर आपका मन कहीं और लग रहा है जिसके कारण आप इनके बिना भी खुश रहने लगे हो, तो इनको थोड़ा शक भी होता है। ये ज़रूरी नहीं सबके पर्सन की एनर्जी में हो, बट कुछ लोगों के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये आएंगे बड़े एटीट्यूड से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा एटीट्यूड लेकर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और ये घुमा फिरा के आपसे पूछने की कोशिश भी करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको मज़े लेना है, तो आप मज़े लीजिए इनके, और आप बातों को घुमा सकते हैं, थोड़ा मस्ती कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही क्यूट हैं, सीधे साधे हैं, तो आप सिंपल बोल दीजिए कुछ नहीं चल रहा है। बट ज़्यादा क्यूट होना भी अच्छा नहीं होता, हमेशा मज़े लेना चाहिए सामने वाले के, ताकि उसकी जो असलियत है वो बाहर आए, ताकि उसके दिल में क्या है उनको भी थोड़ा पिंच हो सिचुएशंस। तो यहाँ यिन एंड यांग की वाइब्रेशन है, बहुत सारे डिवाइन यूनियंस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। उनको ऐसी फीलिंग है, ऐसी अंदर से एक जो कहते हैं ना इंट्यूशन की आवाज़, तो इंट्यूशन की ऐसी आवाज़ है कि यार मुझे तो कंप्लीशन इसी व्यक्ति के साथ चाहिए। इनको भी आपकी कमी फील हो रही है, ये भी अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं या कर रही हैं आपके बिना। इनको ये भी वाइब्स है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इनको अंदर से ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि यू आर इन अ राइट पाथ। तो ये बहुत करेज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ एक्शन ले सकें, प्रॉपर एक्शन ले सकें। सो अपने पर्सन को अगर वो वापस आती हैं या वापस आते हैं, तो ट्रीट देम इन अ गुड मैनर। कई लोग वापस आने के बाद बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं कि वापस आ गया है या आ गई है, मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है, बट मैं उठाऊंगा नहीं या उठाऊंगी नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रिप्लाई कीजिए, बट आप अपना दिल खोल कर मत रख दीजिए। हाँ, नॉर्मली बात कीजिए ताकि उनको भी फील हो कि हाँ, उसे भी मेरे बिना रहने की आदत हो चुकी है। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट एक्शन देख लेते हैं किस तरीके का हो सकता है आपकी तरफ। मैसेज की वाइब्स हैं, देखते हैं क्या वापस आने वाले हैं आपके पर्सन। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। डेक उल्टा है क्या? डेक भी उल्टा है। क्यों आया है? रेस्ट एंड रिजुवनेट टावर। क्यों आया है? इमोशनल लॉस जजमेंट न्यू बिगनिंग। ओके, मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है? सन विद द डेविल। क्या कोई एक्शन ले सकते हैं? ओके, ठीक है। तो मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं मैंने क्लैरिफाई कर लिया है ताकि आपको क्लियर कर सकूं। यहाँ पर वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड आई चक्रा, रेस्ट एंड रिजुवनेट। ये जो एनर्जी है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट करके ये कौन सा एक्शन लेने वाले हैं? तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे में अगर आपके पर्सन की शादी फिक्स की जा रही है या उनके लिए चॉइसेस देखे जा रहे हैं, तो आपके पर्सन उन रिश्ते को कबूल ही नहीं करेंगे, उन रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन उन अपॉर्चुनिटीज़ को नो बोल सकते हैं। ये सबसे पहली वाइब्स है। दूसरा, ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। मैंने पूछा कि क्यों आया है ये कार्ड, एंड वी हैव गॉट टावर। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर किसी तरह का टावर मोमेंट आ चुका है या आने वाला है। इमोशनल लॉस क्यों? इन्होंने कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं न्यू बिगनिंग के से रिलेटेड, जिसकी वजह से यहाँ इमोशनल लॉस की वाइब्रेशन आई हुई है। न्यू बिगनिंग से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया हुआ है?
मैंने पूछा कि मेमोरीज ऑफ लव आया है, क्यों आया है मेमोरीज ऑफ लव, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं? द आंसर कम हियर इज़ येस। सन की एनर्जी है और पॉजिटिव भी है, टेम्पटेशन की एनर्जी है, ये आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है। क्या ये आपकी केयर करते हैं? जी बिल्कुल, सफरिंग में है ये आपके बिना, इनके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप ही चल रहे हो। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये है कि मेरी लाइफ में बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो मैं अभी और प्रॉब्लम नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, तो ये इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में कनेक्ट नहीं कर रहे कुछ लोगों के पर्सन, बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन आने वाले 9 घंटे के अंदर या 27 घंटे के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद 27 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, और जिनका यूनियन ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए ये 27 घंटे थोड़े हैवी होंगे, क्योंकि न्यूमून है, तो न्यूमून की एनर्जी कल मैं डालूंगी, लेकिन आज से ही थोड़ा सा सब्र रखिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, शक मत कीजिएगा, ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूमून में आप जो सोचते हैं वो चीज़ें आप क्रिएट करते हैं, और दूसरी बात इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं जिससे आपको इरिटेटिंग फील हो, फ्रस्ट्रेटिंग फील हो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है? देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है। अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी एक्शन नहीं लेना है तो आप मत लीजिएगा। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है येस यू कैन टेक एक्शन, वॉट एवर एक्शंस यू वॉन्ट टू टेक, तो आप ले सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव मीन्स आपके एक्शन लेने के बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव की एनर्जी आई हुई है। नेक्स्ट वी हैव नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड गाइडेड मैसेजेस हैं। देखते हैं एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं आपको, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कलेक्टिवली अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी अपग्रेड हो रही है, तो आपकी एनर्जी अपग्रेड होगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी है यहाँ पे, तो एनर्जी थोड़ी शिफ्ट हो सकती है, तो जैसा आपकी एनर्जी थी उससे चेंज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एनर्जी में अगर था कि आप मेडिटेशन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, आप मंत्र बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं, आपने अपने दिमाग को कहीं और इस समय एंगेज किया हुआ है, तो सडनली आपका मन वापस से मेडिटेशन में लगना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको ईयर में रिंगिंग बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, किसी एक कान में रिंगिंग सडनली शुरू हो जाए, आपको आवाज़ आए बट किसी और को आवाज़ ना आए। इसके अलावा आपको ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके कोई शोल्डर या लेग या किसी बॉडी पार्ट में वाइब्रेशन फील हो जाए सडनली, किसी एक साइड, या तो राइट या तो लेफ्ट, ऐसी वाइब्स हो सकती है। इसके अलावा सडनली कुछ लोगों को नेक में अचानक से पेन हो सकता है, वो कफ एंड कोल्ड वाला पेन नहीं, जैसे कि क्रैम्प आ जाए, आपको गला मोड़ने में ही दिक्कत होने लगे, इस तरह की भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। हार्ट में आपको ऐसा लगे कि आप न सो पा रहे हैं न बैठ पा रहे हैं, हार्ट में कुछ अटक गया है, ऐसी भी वाइब्स कई बार होती हैं, स्पेशली जब हार्ट चक्र ओपन हो, तो ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, स्पेशली जो लोग ज़्यादा मेडिटेट करते हैं उनके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। हार्ड एंड हार्ट की एनर्जी है, डोंट अलाउ सिचुएशंस टू मेक यू बिटर कोल्ड एंड अलूफ। चाहे आपको धोखा मिला हो, ब्रेकअप हुआ हो, आप अकेले हो गए हों, आपने जिस पर विश्वास किया उन्होंने आपको चीट कर दिया, डजेंट मैटर, अपने दिल को पत्थर का बनाने से रोको, अपने आप को अकेला करने से रोको, और बहुत ज़्यादा कड़वाहट अच्छी नहीं होती। कई लोग लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस लेते हैं और उसके बाद कड़वे हो जाते हैं बिल्कुल, वो हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, हर चीज़ में झगड़ा करते हैं, हर चीज़ में पिन पॉइंट करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि ये एनर्जी उससे रेजोनेट कर रही है, तो आपको सुधार की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ इसीलिए दी गई है ताकि आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को ले सकें,
और अपनी डिज़ायर को क्रिएट कर सकें, और अपनी डिज़ायर को क्रिएट करने के बाद उस पर वर्क कर सकें ताकि आपके ड्रीम्स फुलफ़िल हो सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी ड्रीम देखें या जो भी इच्छा करें वो हमें मिल जाए, बट हाँ, हमें मेहनत करनी चाहिए, और अगर मेहनत सफल हो तो गुड, मेहनत सफल ना हो तो टेक एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है वाइब्रेशनल मैच। काफ़ी लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है, इतना हाई वाइब्रेशन में आप हैं, आपके साथ जो हैं स्पिरिट्स, एंजल्स, उनकी पावर है, यूनिवर्स की पावर है, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। लेकिन आपको कई बार ऐसा फील हो सकता है कि आप अगर हाई वाइब्रेशन में हैं तो जो लोग लो वाइब्रेशन में, उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा यार इसका देखो दिन भर रोती रहती है या रोता ही रहता है, इसका देखो, ये नहीं कि थोड़ा मेडिटेशन करें और यूनिवर्स से अलाइन हो, अपने ड्रीम्स को क्रिएट करें। देखो, जो लोग पा जाते हैं वो चीज़ें ना, उनको ऐसा लगता है कि हम तो बड़े इजीली पा गए, लेकिन वो इजीली नहीं पाए होते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है जो लो वाइब्रेशन में है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार इसके पास सब कुछ है तो ये बड़ा बड़े बड़े बोल बोल रहा है या बोल रही है, बट एक्चुअली में बहुत टफ है। तो वो टफ तो है, लेकिन जो उस एनर्जी को प्राप्त किया है उसने भी बहुत मेहनत करी होगी, तभी वो एनर्जी से अलाइन हो पाई है या हो पाया है। तो आप कभी भी अपने आप को ईगो में नहीं रखना है, आपको उनकी हेल्प करनी है जो लो वाइब्रेशन में है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो वाइब्रेशनल मैच में आपको ऐसा फील होता है कई बार अंदर से कि यार ये कैसा है, इसके साथ तो अगर मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ तो मेरी एनर्जी सक हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी, तो आपको उसके साथ ज़रूर बैठना है। इसलिए नहीं कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, इसलिए बैठना है ताकि आप उसको अपनी तरफ से गाइड कर सके, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन रेज होती है तो भगवान आपको ये सिखाते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन के साथ साथ दूसरों की वाइब्रेशन भी रेज कर पाएँ। आपकी जिम्मेदारी है उसको एफर्ट लगाना, अगर उसको एफर्ट लगाने के बाद भी उसकी मर्ज़ी है, अगर वो नहीं ग्रो करना चाहता या नहीं करना चाहती, मीन्स कि अभी उसका कर्मा फेस करना बाकी है, फिर आप अपने आप को बैकआउट कर लीजिए। आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए, डोंट डू दैट। कभी भी आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, जस्ट लेट इट गो, भैया तुझे जो ठीक लगे तू कर। मेरा काम था एज अ जो भी सोल्स होती हैं जो अपग्रेड होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि सामने वाले के लाइफ में कुछ सुधार आ जाए, बट अगर वो उस सुधार के लिए रेडी ही नहीं है, उस सुधार को, वो उस गाइडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को खींच लीजिए, क्योंकि फिर अगर आप उससे उलझेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी अगर है तो उसको इस तरह से आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस। होप आपको एनर्जी रीडिंग से कुछ हेल्प ज़रूर मिलती हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।